कैसे हो रहा है वहां पर दवा घोटाला। की शिकायत हमारे को मिली थी, जैसे ही शिकायत मिली वो इमीडिएटली हमने उसको सप्लाई को जो है पेशेंट्स को नहीं दिया। और जो कंप्लेंट थी कंप्लेंट करता द्वारा उसके सभी बातों को ध्यान में रखते हैं उनको बोला गया कि इसको आप पर्यावरण कराइए, जाँच में जो आए उसके बाद उस कंपनी पे अगर जो मापदंड के हिसाब से फैक्ट्री सप्लाई किया अगर ठीक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप प्रश्न यह उठता है कि शायर इंडिया में अभी तक रजिस्टर्ड है नहीं, तो किस अथॉरिटी से यह मेडिसिन बैक्सटर बैक्सल्टा सप्लाई हो रहा है? दवाई का जो इफेक्ट है वो तत्काल प्रभाव में तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन आने वाला समय में 2-3 साल में इससे बहुत ज्यादा नुकसान पेशेंट को हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।